कर्नाटक के मांड्या प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनी छात्रा मुस्कान ने मंगलवार को भगवा दुपट्टा पहने युवाओं के एक बड़े गुट का अकेले सामना करने पर कहा कि वो चिंतित नहीं थी और वह हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ती रहेंगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मुस्कान को नारेबाजी करते भगवा स्कार्फ पहने युवकों के बीच घिरा हुआ देखा जा सकता है, लेकिन इस दौरान वह उनके खिलाफ जमकर डटी रहीं। मुस्कान ने कहा कि कपड़े के एक टुकड़े के लिए लड़कियों की शिक्षा बर्बाद की जा रही है। जैसे ही युवकों का गुट जय श्री राम के नारे लगाते हुए छात्रा की ओर बढ़ता है मुस्कान वापस चिल्लाती हैं अल्लाह अकबर और चिल्लाती हुई क्लास की ओर बढ़ जाती हैं। लड़कों का समूह उसके पीछे जाता दिखता है। इस बीच कॉलेज का स्टाफ लड़कों को रोकता और लड़की को साथ ले जाता हुआ देखा जा सकता है। दूसरी ओर इस मामले में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर बयान जारी किया है। ओवैसी ने कहा है कि हिजाब पर बैन का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। ओवैसी ने युवाओं से कहा कि अगर वो आज झुक गए तो हमेशा के लिए झुक जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है। कॉलेज के अंदर आते ही ये 25-30 लोग उसके पास आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने कहा कि आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है। कॉलेज के अंदर आते ही ये 25-30 लोग उसके पास आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। मैं इस बेटी की बहादुरी को सलाम करता हूँ। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देख कर अल्लाह अकबर कहा। ये मिजाज पैदा करना है। याद रखो मेरी बात, अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटक में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुरका पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ हमारी उस बेटी की बहादुरी को। मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे। याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल चढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा
मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना होश मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी बात तो नहीं कर लो कि रोने से भीख मांगने आपको साथ नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया, अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में एतमाद है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाह अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे। आपको बता दें कि कर्नाटक भर के कॉलेजों में एक तरफ हिजाब पहनी छात्राओं को और दूसरी तरफ युवकों को भगवा स्कार्फ पहने हुए विरोध प्रदर्शन करते देखा जा रहा है। उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जब 6 छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पर जोर देने के लिए कक्षाओं में प्रवेश से रोक दिया गया है। इसके बाद विरोध उडुपी, मांड्या और शिवमोगा जैसे अन्य शहरों में फैल गया। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को 3 दिन तक बंद रखने का ऐलान किया है। उधर इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार, क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।